अरे भाई मोदी जी, हल्के चलाओ हल्के चलाओ, अपने टुक टुक रिक्शा को हल्के चलाओ। अरे भाई देख नहीं रहे हो, तुम्हारे टुक टुक रिक्शा पर मेरा स्कूटर रखा हुआ है, अगर तेज चलाओगे तो कुछ ना कुछ टूट सकता है। अरे भाई मोदी जी तेज चलाओ, जल्दी ऑफिस पहुंचना है मुझे, जल्दी जल्दी तेज तेज चलाओ अपने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को। अरे भाई मैं तुम दोनों में से किसकी बात मानूं, इस इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा पे राहुल का स्कूटर रखा हुआ है, अगर मैं तेज चलाऊंगा तो स्कूटर टूट सकता है, और अगर हल्के चलाऊंगा तो योगी जी अपने ऑफिस टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें भी जल्दी पहुंचना है ऑफिस अपने। बताओ मैं क्या करूं, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, योगी जी भी मेरे परमानेंट कस्टमर है क्योंकि ऑफिस जाते टाइम मेरे ही रिक्शा पे बैठते हैं, और राहुल भी कोई सामान लाता है वो भी मेरे रिक्शा पर लाता है, मैं तो बीच में फंस गया। अरे भाई मोदी जी तुम बीच में मत, ऐसा करो तुम कछुए की स्पीड से चलाते रहो, लेकिन मुझे उतार दो भैया, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा, मैं दूसरा रिक्शा पकड़ के आ जाऊंगा, समझे, मुझे उतार दो। तुम तो अपने टुक टुक को चीटी की तरह रिंगा रहे हो बिल्कुल। अरे जाओ योगी जी, उतर को ना जाओ, मना कौन करता है, एहसान किसे दिखा रहे हो, पैसे देते तो जाते, पैसे नहीं दोगे तो नहीं जाओगे रिक्शा पे बैठ कर। भाई तुम्हारे तेज चलाने के चक्कर में मैं अपना स्कूटर खराब कर लूं। राहुल मेरा मुंह मत खुलवाओ, ये बताओ तुम्हारा स्कूटर अगर सही होता तो स्कूटर पे ही नहीं जा रहे होते, स्कूटर क्या खराब हो जाएगा, स्कूटर खराब है तभी तो इस टुक टुक पे लात के ले जा रहे हो इसे, इससे ज्यादा क्या खराब होगा ये। अरे योगी जी मजाक बना रहे हो तुम, मेरी मजाक बना रहे हो, मेरे स्कूटर की मजाक बना रहे हो, तुम्हारी बातों से मजाक बनाने की बू आ रही है मुझे। ये बताओ तुम्हारा कभी कोई चीज खराब नहीं होता है, तुम्हारा स्कूटर या मोटरसाइकिल खराब नहीं होता है, अगर मेरा स्कूटर खराब हो गया तो क्या हो गया, ले जा रहा हूँ मैं मोदी जी के टुक टुक पे लात कर। ऐसा करो मोदी जी तुम मुझी को उतार दो, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, योगी जी से मेरी मजाक बनवा रहे हो। अरे भाई लड़ो मत, लड़ो मत योगी जी, राहुल लड़ो मत, बिल्कुल मत लड़ो, ऐसा करो दोनों लोग उतरो जरा इस टुक टुक से, दिमाग खराब करके रख दिया है तुम दोनों ने, आज ही से भेज देता हूँ ये टुक टुक, टुक टुक का काम ही नहीं करूंगा, दोनों लोग उतरो मेरे टुक टुक से, मैं दोनों में से किसी की बुराई नहीं लूंगा, ना राहुल की ना योगी जी की, दोनों उतर जाऊं। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टोपी ले लो भाई टोपी, बढ़िया बढ़िया टोपी, बढ़िया बढ़िया हैट, लेडीज भी जेंट्स भी आ जाओ लेने के लिए, आ गया आपके मोहल्ले में। अरे मोदी जी ये क्या नया धंधा चालू कर दिया टोपी पहनाने का, और कितने की एक टोपी बेच रहे हो। राहुल तुम जब भी आओगे बेसुरी बात करोगे मेरे सामने, अरे टोपी पहनाने का काम तो मेरा बहुत पुराना है, अब से टोपी बेच रहा हूँ मैं। और रही रेट की बात, हर टोपी का अलग अलग रेट है, तुम बताओ तुम्हें कौन सी चाहिए। अरे मोदी जी ये सबसे बड़ी वाली जो आगे टोपी रखी है, आपके हेड रखा है जो, ये कितने का है, ये बताओ, एक ही बार में ले लोगे या सौदाबाजी करोगे, उसी हिसाब से रेट बताऊं मैं तुम्हें। अरे मोदी जी तुम्हें कभी लगता है मैं सौदाबाजी करता हूँ, मैं जो भी चीज लेता हूँ एक ही बार में लेता हूँ, ये बड़ी वाली टोपी का रेट बताओ, मैं भी तुम्हारी टोपी पहन लूं, एक रेट 575 रुपए की लगेगी, ले लो ये बड़ी वाली टोपी। अरे मोदी जी कैसी बेतुकी बात करते हो, 575 रुपए में तो 2 दिन का घर का खर्चा चलेगा, मैं नहीं लूंगा तुम्हारी टोपी, मैं नहीं पहनूंगा टोपी। अरे तो मैं क्या तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा हूँ कि मुझसे टोपी ले लो ले लो, मैं तो पहले ही समझ रहा था तुम मेरा बेकार कर रहे हो, इतनी देर में मैं 2-4 टोपी बेच चुका हूँ था। अरे योगी इंस्पेक्टर साहब आ गए जी, योगी सर जी क्या बात है। अरे भाई मोदी जी तुमने तो टोपी पहनाने का काम चालू कर दिया, पहले तो तुम टोकरी भेजते थे, कितनी टोपी पहना देती हो दिन भर में लोगों को। अरे धंधा बहुत हल्का चल रहा है योगी सर जी, बहुत हल्का, मुश्किल से 10 टोपी बिक पाती है पूरा दिन में, टोकरी का धंधा मैंने बहुत गलत छोड़ दिया, टोकरी बेचने का धंधा छोड़ के मैं बहुत पछता रहा हूँ, कम से कम उसमें आमदनी तो सही हो जाती थी, इस टोपी और हेड बेचने में कोई कमाई नहीं है। अरे भाई कमाई है नहीं, हजारों टोपी कंधे पे लिए फिर रहे हो, बातें करते हो मोदी जी, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, कम से कम दिन भर में 1000 रुपए छापते होगे तुम इन टोपी को बेच के, राहुल खरीदी नहीं टोपी, पूरा दिन ऐसी खाली फिरते रहते हो, तुम भी कोई धंधा चालू कर दो। अरे क्या सर जी खाली कहाँ फिर रहा हूँ, कोयले की फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, वही कमाना खर्चा हो जाता है, अरे जितना कमा लो उतना खा लो, और अपने पास मोदी जी की तरह टोपी पहनाने का धंधा तो है नहीं, अगर टोपी बेचने का धंधा होता तो ज्यादा आमदनी हो जाती। अरे भाई राहुल तुम भी ये मेहनत मजदूरी छोड़ के मोदी जी के तरह कोई धंधा चालू कर दो, फिर अच्छा कमाओगे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।